होगा रंगी लोग मलंग बाबा को मार मार के हम सबका रुला रहे थे, आज ससुराल खुद रोएंगे। अरे कहाँ रोएंगे, अब हम सबकी खैर नहीं। मलंग बाबा की जगह रंगी का बांध दिए। कसम से भैया, जी ने ये बदला लिया है, मेरा तो रोए रोए उनको दुआ दे रहा है। हाँ चाचा, हम तो कहते हैं कि हम सब का मसीहा आ गवा है। सो मलंग के साथ साथ वी शुड हैंग 2-3 मोर विलेजर्स सो दैट बिसाइड बिटू विलेजर्स आसपास के सारे गांव में भी हमारा डर बैठ जाए, फिर दोबारा कोई नो सर। हमें उस ब्लडी मलंग और दो चार और लोगों को फांसी पर लटका देने से कोई फायदा नहीं मिलेगा। हमें इनकी उस स्पिरिट को डिस्ट्रॉय करना है जो अब धीरे धीरे डेवलप हो रही है। हालत तुम्हारी किसने की? सर, मुझे कुछ पता नहीं। क्या कह रहे हो? किसी ने तुम्हें बुरी तरह बांध दिया, मुंह में कपड़ा चूस दिया और तुम आराम से ये सब अपने साथ होने देते रहे? I didn't see anything. They came from behind and put a noose around my neck and then a knife to my throat. खंजर? खंजर रख दिया? Yes, sir. श्रीमन सरकार, स्थिति अत्यंत गंभीर है। एक झंडा जलाए जाने पर इन फिरंगियों ने पूरे धौलपुर गांव को जलाकर राख कर दिया था। परंतु सखाराम, उस बैरागी मलंग को फांसी पर क्यों चढ़ा रहे थे? अब यह तो पता नहीं श्रीमन सरकार, किंतु जो कुछ मालूम हुआ है उसके अनुसार वो मलंग इन फिरंगियों के विरुद्ध कुछ गा रहा था। उस क्रांतिकारी ने न सिर्फ उस मलंग को छुड़वाया बल्कि कमिश्नरी के सर्जेंट स्मिथ को कपड़े उतार के नंगा करके बांध के डाल दिया और उसी के कपड़े पहनाकर एक पुतले को फांसी पर चढ़ा दिया। जिस प्रकार से उसने सर्जेंट स्मिथ को बांधा था, उसकी हत्या भी कर सकता था, परंतु उसने ऐसा किया नहीं। संभव तो क्रांतिकारी सांकेतिक फांसी देकर ब्रिटिश साम्राज्य को चुनौती दे रहा था। परंतु सखाराम, प्रश्न ये उठता है कि वो है कौन? सरकार,
पूरे बिठूर में इसी बात की चर्चा है। लोग उसका गुणगान कर रहे हैं। वो कहां से आता है, कहां चला जाता है, कब क्या करता है, इसका किसी को कुछ भी पता नहीं। चोरवासियों, अब जानते हैं वो ब्लडी मिलांग हम ब्रिटिश गवर्नमेंट और ईस्ट इंडिया कंपनी के खिलाफ तुम सबको बरका दे रहा था। ऐसा जैसे क्रिमिनल को पनिश किया गया, लेकिन तुम में से ही किसी ने उससे फ्री करके हमें चैलेंज किया दिया। हम उसके चैलेंज एक्सेप्ट करते हैं। आज जो कुछ भी किया उसने, हम ब्रिटिशर्स ने देख लिया, लेकिन आज जो करेंगे हम, तुम सब लोग उससे सिर्फ देखोगे नहीं, एक्सपीरियंस करोगे। You will get a taste of hell. काल तक हम सब कांप रहे थे, पर आज ये कांप रहे हैं। What? What did you say? पकड़ो उसे। मेरा खंजर वहीं रह गया है, और अगर वो किसी के हाथ लग गया तो अनर्थ हो जाएगा। समझ नहीं आ रहा क्या करूं, महल से बाहर कैसे जाऊं। हे देवा, मेरी सहायता करो। अब आप ही मुझे कोई रास्ता दिखाओ। मनु। जी बाबा। बेटे मेरी पगड़ी कहाँ है? ये रही बाबा। बाबा हुँ? वैसे आप कहीं जा रहे हैं? हाँ, शास्त्री जी के घर जा रहा हूँ तुम्हारी कुंडली लाने। फिर तो मेरी सारी मेहनत व्यर्थ गई। मेहनत? कैसी मेहनत बेटे? बाबा, वो आज मैंने अपना सारा काम जल्दी जल्दी पूरा कर लिया था। सोचा था अपने बाबा के साथ थोड़ा समय बिताऊंगी, पर आप तो बाहर जा रहे हैं ना। बेटे, शास्त्री जी के यहाँ से मैं जल्दी वापस आ जाऊंगा, उसके बाद। बाबा, मैं जानती हूँ आपको आते आते शाम हो जाएगी, जाने दीजिए। आपको अपनी बेटी की कोई चिंता ही नहीं? कैसे नहीं है बेटे, परंतु शास्त्री जी के यहाँ से कुंडली लाना भी तो आवश्यक है। मनु, दुखी मत हो बेटे, तुम ऐसा क्यों नहीं करती? तुम भी मेरे साथ शास्त्री जी के यहाँ चलो। सच? आप कुंडली तो पहले भी निकाल चुके थे ना? हाँ, परंतु हुआ ये कि हम वहाँ। मनु, कहाँ जा रहे हो? वो बाबा के साथ बाहर जा रहे हैं। क्यों? शास्त्री जी के यहाँ कुंडली लानी है।
कुंडली तो तुम्हारे बाबा अकेले भी लेकर आ सकते हैं। तुम मेरे साथ मंदिर चलो। लेकिन आजी साहब, शास्त्री जी के यहाँ से आने के बाद भी तो... नहीं बेटा, देर हो जाएगी। संध्या से पहले हमें सारी तैयारियां करनी हैं। लेकिन आजी साहब, मनु बहनी साहब जो कह रही हैं करो, मैं शीघ्र ही वापस लौटाऊंगा। जी बाबा। चलो बेटा। Find every last one of you responsible and you will be punished. Do you understand? God damn it! Damn you all! ये खंजर मन्नू का है। हे भगवान, अगर फिरंगियों को ये बात पता चल गए तो फिर वो लोग हमारी मन्नू को फांसी पर लटका देंगे। ये तो मैं कभी नहीं होने दूंगी। उसने मेरी जान जो बचाई है, पर अब हम क्या करेंगे? हमें ये खंजर मन्नू तक तो पहुंचाना ही होगा, पर हम क्या करें? हम वहां जा भी तो नहीं सकते। मेरे पास एक उपाय है। क्या? शांता जी, एक कटोरी में अक्षत ले आ। तो जी आई साहब। प्रणाम बहनी साहब। इस बार मैं जो फूल लेकर आई हूँ, इससे केवल आप ही नहीं भगवान भी खुश हो जाएंगे। अब बातें बंद कर और ये फूल मनु को दे। जी बहनी साहब। मनु दीदी, देखो ये फूल कितने सुंदर है ना। हाँ, इसे यहाँ रख दो। देखो ना मनु दीदी, कितने अच्छे फूल है। इसकी कोई आवश्यकता नहीं। पर मनु दीदी, देखो तो सही। देखो ना। ये तुम्हें कहाँ मिला? वो आज सवेरे मैं और कांता चौराहे पे गए थे ना, वहाँ बहुत भीड़ थी। फिरंगी का पुतला भी लटका हुआ था। हाँ, ये कोने में पड़ा था, इसलिए हमने ये चुपके से उठा लिया। अच्छा ये बताओ, इसके बारे में किसी को पता तो नहीं चला? नहीं, किसी को भी नहीं। ठीक है बहनी साहब, अगली बार से मैं ख्याल रखूंगी। जी। कुसुम बिटिया। हाँ माँ। आप चले घर? हाँ माँ, आती हूँ। अच्छा मैं चलती हूँ। अच्छा सुनो, कांता से कहना ब्रह्म काल में बरगद वाले टीले पर मिले। ठीक है दीदी।
हाल चलिए हुजूर। अल्लाह फिर से खो गए हुजूर। चाल चलिए। क्या कहूं मोती भाई, इन पासों की तरह कभी छित कर दिया जाता हूं कभी पट। हाय अल्लाह, झांसी का शहंशाह और मायूस। हम मायूस नहीं चिंतित, कोई गैर करे तो दुख नहीं होता, लेकिन अपने ही घर से तीर आता है तो। जब से हम झांसी की गद्दी पर बैठे हैं हमारे अपनों को हम खटकने लगे, और आश्चर्य की बात यह है कि वो सभी हमारे लिए जान देने के लिए तैयार है, लेकिन अंदर ही अंदर हमारी चिता सजाई जाए। अल्लाह ना करे, हमारे आपके दुश्मन कौन है वो मुए? एक हो तो बताओ, हमारी बड़ी बहनी शायद सखुबाई। हमारे खजाने को गायब करने का आरोप हम पर ही लगा है, वो कभी भी कुछ भी कर सकती है। लच्छो वहिनी अली बहादुर जानकी हो, हम आज तक नहीं समझ पाए वो हमसे चाहती क्या है। जैसी कुंडली मणिकर्णिका की है ठीक वैसी ही एक और कुंडली बनाई है, पर उस पर नाम मणिकर्णिका का नहीं श्वेतांबरा का होना चाहिए। जो आज्ञा महारानी साहब। के भाग्य में राजयोग लिखा है, हमारी गणना कभी गलत नहीं होती है, और वो अवश्य रानी बनेगी अवश्य। ये लीजिए नई कुंडली। अब झांसी की रानी बनेगी श्वेतांबरा।